Hello, children, how are you? Hope you all are fine. I am Savita Das, teacher LB, Government Middle School, Kachna. Students, today we will study lesson 35, topic is We Are Friends. In this lesson, students, you will learn how to communicate and also how to use and where to use. He, she, his, her. What? बच्चों हम इस लेसन में सीखेंगे कि कैसे हम इंग्लिश में बात करेंगे एक दूसरे से बातचीत करेंगे और कहाँ इस लेसन में हम देखेंगे कि ही शी his, हर का प्रयोग होगा तो ही का प्रयोग कहाँ होगा शी का प्रयोग कहाँ होगा His का प्रयोग कहाँ होगा और हर का कहाँ प्रयोग कहाँ होगा ठीक है बच्चों यहाँ देखिए एक बॉय है एक गर्ल है और वो गर्ल वो बच्ची कैसे अपने आप को बता रही है और जो बच्चा है उसके बारे में बता रही है आई एम सरला मैं सरला हूँ ही इज मितेश यह मितेश है ही इज माई ब्रदर वह मेरा भाई है आई एम ही सिस्टर मैं उसकी बहन हूँ बच्चों देखो यहाँ पर ही का प्रयोग हुआ है तो ही का प्रयोग मितेश के लिए हुआ है मितेश एक बॉय है तो बॉय के लिए हम ही का प्रयोग करते हैं ठीक है और हीज का प्रयोग हम बॉयज के लिए करते हैं ही और हिज का प्रयोग ठीक है नेक्स्ट देखिए बच्चे यहाँ पर एक गर्ल है, है एक बॉय है और यहाँ पर वो जो बॉय है कैसे बात कर रहा है और कैसे अपनी बहन का परिचय दे रहा है आई एम विकास मैं विकास हूँ शी इज़ रूपाली वह रूपाली है शी इज़ माई सिस्टर वह मेरी बहन है आई एम हर ब्रदर बच्चों यहाँ पर विकास बोल रहा है कि वह रूपाली है तो श्री श्री का प्रयोग हुआ है तो गर्ल्स के लिए हम श्री का प्रयोग करते हैं ठीक है उसके बाद वो अगले उसमें बोल रहा है आई एम हर ब्रदर मैं उसका भाई हूँ तो जहाँ पर गर्ल के लिए हम हर का प्रयोग करते हैं ठीक है ओके अब देखिए बच्चों नेक्स्ट पिक में यहाँ पर दो बच्चे हैं दोनों बॉयज़ हैं ठीक है और दोनों कैसे एक दूसरे से कम्युनिकेट कर रहे हैं कैसे बातचीत कर रहे हैं आई एम श्रीकांत मैं श्रीकांत हूँ आई एम योर फ्रेंड मैं तुम्हारा दोस्त हूँ यू आर माई फ्रेंड तो मेरे दोस्त हो और फिर वो दोनों बोलते हैं वी आर फ्रेंड्स हम दोनों दोस्त हैं बच्चों नेक्स्ट वीक में देखिए एक अंकल दिख रहे हैं है ना तो हम कैसे इनका परिचय करेंगे कैसे देख कैसे कम्युनिकेट करेंगे देखिए ही इज मिस्टर उमेश वह मिस्टर उमेश हैं ही इज माई अंकल वह मेरे चाचा जी हैं इस वीक में देखिए बच्चों एक उमेन है ओके हम इसको ये कैसे कहेंगे शी इज मिसेस चित्रा वह मिसेस चित्रा हैं शी इज माई आंट वह मेरी आंटी हैं या चाची हैं और नेक्स्ट वर्क इज एक्सरसाइज वर्क बच्चों यहाँ पर हम एक्सरसाइज करेंगे एक्सर देखेंगे और यहाँ पर कुछ सेंटेंसेस हैं और मैं इन सेंटेंसेस को बोलूँगी और आप लोग उसे रिपीट करेंगे ठीक है तो हमारा फर्स्ट सेंटेंस है आई एम सरला ओके गुड नेक्स्ट सेंटेंस इज ही इज मितेश गुड नेक्स्ट सेंटेंस इज ही इज माय ब्रदर वेरी गुड ही इज मिस्टर उमेश वेरी गुड बच्चों He is my uncle. Very good. She is Mrs. Chitra. Very good. She is my aunt. Very good bachcho aapne bahut acche se मेरे साथ सारे sentences repeat किए बच्चों हमारा next exercise है देखिए यहाँ पे आ, look at the pictures एंड कंप्लीट द सेंटेंसेस बच्चों यहाँ पर कुछ चित्र दिए हुए हैं हमको इन्हें देख कर इन वाक इस वाक्य को पूरा करना है क्योंकि ये आ, अभी ये खाली स्थान है ठीक है तो ये चित्र देखो पहले चित्र में एक वुमेन दिखाई दे रही है एक महिला दिखाई दे रही है शी इज ब्लैंक एंड शी इज माई ब्लैंक्स तो इसको फिल अप करना है तो बच्चों सोचिए क्या होगा शी इज मिसेस चित्रा शी इज माई आंट ठीक है देखिए बच्चों इस चित्र में एक अंकल दिखाई दे रहे हैं और हमारा ये जो सेंटेंस है इनकम्प्लीट है इसको कंप्लीट करना है ठीक है तो सोचिए ही इज मिस्टर उमेश एंड ही इज़ माई अंकल ओके और नेक्स्ट वर्क इज़ होमवर्क बच्चों यहाँ पर आप लोगों के लिए होमवर्क है राइट सम ऑफ योर फ्रेंड्स नेम एंड मेक सेंटेंसेस बच्चों यहाँ पर तुमको अपने कुछ दोस्तों के नाम को लिखना है और कुछ वाक्य बनाने हैं थैंक यू बच्चों